हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 2008 के बीजिंग में होने वाले ओलंपिक में उस शख्स के बारे में जिसके बारे में शायद आप बहुत कम लोग जानते होंगे। हो सकता है दोस्तों आपने ये कहानी सुनी हो सकता है आपने ये कहीं और भी सुनी हो, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर अगर दोस्तों आपने ये नहीं सुना तो इसको पूरा देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ 2008 बीजिंग में होने वाले ओलंपिक में माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने बीजिंग में 2008 में ओलंपिक के दौरान 8 गोल्ड मेडल जीते और इतिहास को रचा। इतिहास कैसे, ये आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ मैं उस 2008 के दो साल पहले की बात करूँगा जब माइकल फेल्प्स के हाथों का फ्रैक्चर हो गया था और उनके डॉक्टर ने उनसे बोला था कि अब आप पानी में नहीं जा सकते। और सवाल ये नहीं है कि पानी में वो उनका हार्ट छूट जाए तो क्या वो जा सकते हैं, सवाल ये है कि अगर वो चले भी गए तो क्या उनके हाथ में वही ताकत होगी जो कि पहले। माइकल अपने 10 सालों की ट्रेनिंग का हिस्सा थे। माइकल अपने 10 सालों की ट्रेनिंग में वो सपने देखते आए थे कि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। कि सपने हम तब देखते हैं जब हम सोते हैं। नहीं दोस्तों, आज आप सपनों की नई परिभाषा लेके जाइएगा। सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो साहब अगर मैं बात करूं माइकल फेल्प्स की तो उसी का कुछ ऐसा सपने थे जो उसको सोने नहीं दिए और उसने इतनी मेहनत की कि दो साल बाद 2008 ओलंपिक बीजिंग में होने वाले ओलंपिक में उन्हें 36 साल पुराना मास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कहा यह जाता है कि आखिरी जब ओपोनेंट के साथ वो अपना रेस कर रहे थे तो वो उनकी जो जीत थी वो 1 सेकेंड के 100वें भाग के बराबर थी। मतलब आप सोच नहीं सकते ये बात। और तब मार्क्स से पूछा गया कि आपने इतने 1 सेकेंड का फासला कैसे पूरा किया इतनी जल्द, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लैग ने मुझे पूछ लिया क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप हाथों का यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से उस समय कहा था कि मैं अपने हाथ का यूज़ नहीं कर सकता हूँ तो क्या मैं अपने पाँव का यूज़ तो कर सकता हूँ। और वही किया माइकल फेल्प्स ने, अपने पाँव से इतनी ज़्यादा उन्होंने एनर्जी यूज की, पाव से उतनी ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की कि उन्हीं पाव के 1 सेकेंड का फासला उनको रिकॉर्ड ब्रेक पर ले आया। सफलता वो नहीं है दोस्तों जो सिर्फ ऊपर चढ़ चढ़ के मिलती है। सफलता तो वो है जो जितना नीचे गिरेंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर जितना नीचे गिरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे, गिर गिर के पाने वाली सफलता ही सफलता है दोस्तों। सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट इज ओवरकमिंग ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि माइकल के साथ हुआ था कि माइकल हैड अ प्रॉब्लम, उनका हाथ टूट चुका था पर वो उसे उखड़ कर आए। उन्होंने ना कि ये सोचा कि मेरा हाथ टूट गया है तो चलिए मैं कुछ और कर लेता हूँ, बट उन्होंने अपने ही जुनून को पकड़े रखा। उन्होंने अपने वो चीज देखी जो उनके पास है, उन्होंने वो चीज नहीं देखी जो उनके पास उस समय नहीं थी। तो उनके पाँव उन्होंने देखे कि अगर मैं हाथों से नहीं कर पाऊंगा तो पाँव से जीतूंगा, पर मेरा जो सपना है उसको मैं पूरा करूंगा। और वही सपने ने उनको सोने नहीं दिया और 10 सालों की लगातार प्रैक्टिस और वो 2 सालों में जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अपने लेग के साथ की और उन्हीं को उन्होंने वर्ल्ड का चैंपियन बनाया। तो इसी तरह मैं हर हफ्ते आपके सामने कुछ ऐसे ही महान शख्स को लेकर आऊंगा क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप सीख सकते हैं जुनूनी हद कैसे पार की जाती है, कैसे मैं सीखता हूँ और मैं इन्हीं लोगों से सीखता हूँ और इन्हीं लोगों की मैं बात करूंगा आपके सामने। सफलता के कुछ नए राज देखने के लिए आप हर हफ्ते मेरे वीडियो को देख सकते हैं।